भारत और ओलंपिक पदक का सिलसिला 124 साल पहले शुरू हुआ। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि यह सिलसिला इसी देश इसी शहर में शुरू हुआ 1900, यानी कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स का दूसरा खेल 1900 में, वहाँ पर भारत को दूर रखा हुआ। तब भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी और नॉर्मन प्रिचर के नाम से जाने हुए एक स्प्रिंटर जो कि 200 मीटर की दौड़ दौड़ते थे, उन्होंने 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स में एक रजत पदक पाया था और उस गेम्स में उन्होंने 2 रजत पदक पाए। मगर आज़ाद भारत 1947 के बाद भी जो है उसने इस खेलों में काफ़ी कीर्तिमान दिखा। 1928 से भारत का और हॉकी का स्वर्ण पदक का सिलसिला रहा। तब से लेकर अब तक भारत ने 37 पदक जीते, मगर इन 37 पदक में हमारी महिलाओं ने 2000 के बाद 10 पदक जीते हैं। 37 में से 10 पदक महिलाओं का। हॉकी की टीम अकेले जो है लगभग 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीत चुका है। बहुत सारे और रजत पदक आए हमारे, मगर महिलाओं का दबदबा 2000 से शुरू हुआ, जब कन्नम मलेश्वरी 2000 यानी सिडनी में एक कांस्य पदक। उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगा, भारत की महिलाओं अच्छा प्रदर्शन देती रही मगर पदक से वंचित। फिर उसके बाद जो है एक बहुसाहसी है, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, मैरी कॉम, मीराबाई चांद और फिर सिंधु जिन्होंने 2 पदक जीते। 2016 में भी उन्होंने रजत पदक हासिल किया और 2021 टोक्यो में उन्होंने एक कांस्य पदक। सिंधु पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने 2 पदक एकल मुकाबले में जीते, सिर्फ महिला ही नहीं पहली भारतीय थी। इस बार 2024 पेरिस में, जहां पर पदक का सिलसिला शुरू हुआ था 124 साल पहले, भारत जब 2 रजत पदक जीता था 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में, यहां पर मनु भाकर एक 22 वर्षीय झज्जर की निशानेबाज ने इतिहास रचा। उन्होंने एक ही ओलंपिक खेल में लगभग 50 घंटे के दौरे में 2 कांस्य पदक हासिल किए। अब ये लगता है कि भारत की महिलाओं ने भारतीय टीम को संभाल रखा। मनु भाकर जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन दे रही है, उसे लगता है उनसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद और भी हमारे बहुत सारी महिला हैं इसी टीम से जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए। पी सिंधु ने एक मुकाबले बैडमिंटन शुरू हो चुके हैं, मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और पहली ऐसी महिला है जो प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुँच चुकी है। और अभी बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, निखत सरीन सब अभी बाकी हैं जो है अभी भी मुकाबले में। इनके अलावा बहुत सारी और महिलाएं भारत में हैं जो इनसे प्रेरित होकर खेल में फिर से भाग लेना चाहती हैं। भारतीय महिलाओं का योगदान खेल के प्रति इतना, सिर्फ माँ का सिलसिला तो शुरू हुआ था, अब खिलाड़ी बनकर शुरू हुई। मनु भाकर खुद कहती है कि माँ ने उनको बहुत सपोर्ट किया। मनु भाकर के पिता मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे, उन्होंने खुद कहा कि माँ का जो है प्यार और महान ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है मन को, वही कारण है कि आज वो 2 पदक जीत चुकी है। इसलिए भारतीय महिलाएं आगे जा रही हैं और आगे जाती रही हैं। भारतीय महिलाओं का खेल प्रतिनिधि पूरे देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है और इसकी मिसाल आज मनु भाकर ने हमारे सामने रखी है। मैं वी कृष्ण स्वामी, फ्रांस की राजधानी पैरिस से एबीपी।